Good morning. I am Vivek Tiwari from Sagar Group of Institute, which is a part of Sage Group. Today I will explain display devices. First of all, the display devices are output devices to display the information in visual form by means of various type of display system. In digital instrument, the output device of the instrument indicate the value of measured quantity using the digital display devices. These display devices may receive the digital information in any form, but it convert the information in decimal form. So basically in our electronics component, we are using various display devices as shown. So the basic function of display devices are generally to display generally alpha numeric character and make the meaningful display whatever we needed. So the main advantages of these devices, digital display devices, are they are very cheap. Their switching is fast and they are operating in very low cost. हम आजकल देख सकते हैं कि लगभग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे अगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग डिजिटल डिस्प्ले ही यूज़ करते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी कॉस्ट कम होती है और वो कम से कम वोल्टेज पे, जैसे हम देख सकते हैं कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या लिफ्ट का इंडिकेटर, तो हर जगह लगभग कार, सभी जगह अपने बाइक, सभी जगह डिजिटल मीटर लगे होते हैं. तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी होती है जिसको हम डिस्प्ले बोलते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं, तो हम अलग अलग डिस्प्ले डिवाइसेस इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस. तो यहाँ पर हम लोग जो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो है कैथोड रे ट्यूब, लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. जनरली जो हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस देखते हैं उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, निक्सी ट्यूब और कोल्ड कैथोड डिस्प्ले, इनकैंडेसेंट डिस्प्ले, फ्लोरेसेंट डिस्प्ले, लिक्विड वेफर बेस्ड डिस्प्ले, सेगमेंटेड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले. देन सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग लाइट एमिटिंग डायोड. हम लोगों ने बहुत सारे डायोड पढ़े होंगे. तो बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड एक डायोड का टाइप है. तो ये डायोड, इसका एक बेसिक सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है. इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड. जब इसे पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है और इस पर जब भी हम कोई सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर लाइट इमिट होती है. हम एलईडी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. जो भी हम देखते हैं हमारे टीवी में या कहीं पे भी इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग डिस्प्ले का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम एलईडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे चीप और सबसे कम वोल्टेज में ऑपरेट होने वाला डिस्प्ले डिवाइस है. आफ्टर दैट एलईडी के बाद जो सबसे ज़्यादा होता है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो ये बहुत ज़्यादा टेलीविज़न वगैरह में यूज़ होता है. हम लोग देखते हैं एलसीडी, एलईडी, दो टाइप के हमारे पास डिस्प्ले होते हैं. तो एलईडी डिस्प्ले में हम एलईडी के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बेसिकली हम एक ऐसा लिक्विड मटेरियल करते हैं. जनरली लिक्विड मटेरियल में क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, मीन्स वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. पर कुछ ऐसे भी लिक्विड मटेरियल होते हैं जो जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होते, मतलब वो जिस जगह पे हैं वहीं पे होते हैं. और जब भी इन पे कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने कुछ भी कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं. इसका यूज़ हम
टेलीविज़न, या हम लोगों ने देखा होगा कई बार हम लैब में जो डिस्प्ले डिवाइसेस देखते हैं वहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये था लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता है कि एक हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी क्वालिटी बस यही होती है कि ये ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह इसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटते, मतलब जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं। और जब भी हम इसमें कुछ सप्लाई देते हैं तो ये उसके हिसाब से हमें कोई भी कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे ऊपर एक ग्लास लगी होती है, उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड लगा होता है और उसके नीचे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल्स रखते हैं जहाँ से हम उसको सिग्नल्स देते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, और जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है हम इसमें करा लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्प्ले डिवाइस है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम लोग एलईडी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, बस इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एलईडी को ए बी सी डी ई एफ जी के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, तो चूंकि ये कैरेक्टर टोटल 7 है तो अब हमें 1 से 9 या ए बी सी डी कुछ भी टाइप करना हो या लिखना हो तो हम इस डिस्प्ले में, जैसे मान लीजिए हमें 1 डिस्प्ले कराना है तो बी और सी को ऑन कर देंगे तो सिर्फ 1 दिखेगा, 0 कराना है तो ए बी सी डी ई एफ को ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ही कम वोल्टेज पे यूज़ होने वाला डिवाइस है। आफ्टर 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम देखते हैं नेक्साइड ट्यूब आर कोल्ड कैथोड डिस्प्ले। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक डायग्राम दिखाया गया है कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उसे वायर के फॉर्म में, एक ग्लास ट्यूब के अंदर वायर के फॉर्म में बना लेते हैं, बहुत सारे कैथोड बना लेते हैं। उसके बाद इनको हम अलग अलग सप्लाई देके जो भी हमें जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है हम उसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डायग्राम दिख रहा है तो इसमें बहुत सारे हमें पतली पट्टियाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ईच जो भी ब्लेड है, मान लीजिए फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमने एक 1 बना दिया है, तो जब भी हम इसको सप्लाई देंगे तो ये डिस्प्ले होने लगेगा, बाकी सब ऑफ होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हमने सेकंड वाले में 2 बना दिया है तो जब भी हम इसे सप्लाई देंगे तो ये 2 की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इसका हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू देख सकते हैं कि फ्रंट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो जब भी जिस भी चीज़ को हम इलिमिनेट कर देंगे वो हमें दिखने लगेगा। तो ये एक तरह से डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसके हेल्प से हम 0 से 9 तक डिजिट डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकैंडेसेंट डिस्प्ले। तो ये हमारे बहुत ही इनकैडेंस है, बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट और सेवरल डिक्रीज। जो हमारे बल्ब हैं या हैलोजन्स हैं वहाँ पे हमारे पास कुछ फिलामेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये बहुत ही ओल्ड मेथड है। आज इनके कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। मान लीजिए कोई एक आध टर्मिनल ख़राब हो गया तो पूरे डिस्प्ले को डिस्टर्ब कर देता है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आजकल हम इसमें बहुत सारे लॉजिक्स आईसीज़ यूज़ करके हमने इसे बहुत इम्प्रूव कर लिया है। तो इनकैंडेसेंट डिस्प्ले भी बहुत जगह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट डिस्प्ले।
ये वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले के नाम से भी जाने जाते हैं। जो वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले हैं ये ज़्यादातर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, कार, रेडियो, माइक्रोवेव ओवन, ये जापान में इन्वेंट किए गए थे। और हम देखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर जो डिस्प्ले यूज़ किया जाता है तो ये डॉट मैट्रिक्स टाइप का होता है। तो वहाँ पर हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके, सबसे इसकी खासियत ये होती कि ये बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे हमें बहुत कम वोल्टेज की सप्लाई देनी होती है वहाँ पे हम इस डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड वेपर बेस्ड डिस्प्ले। तो लिक्विड वेपर बेस्ड जो डिस्प्ले होता है इसमें ट्रांसपेरेंट एंड वोलेटाइल लिक्विड को पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में फिल कर दिया जाता है। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रफ ग्लास सरफेस होती है जहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं, और बैक साइड में पेंट कर दिया जाता है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको सप्लाई दिया जाता है, जिससे हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। तो सेगमेंटेड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले ये निक्साई ट्यूब की तरह यूज़ होता है, और ज़्यादातर ये 7 या 14 सेगमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के काम आता है। और इसमें चूंकि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको बहुत हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसमें हम स्पेशल आईसी यूज़ करते हैं। तो इसमें हर एक सेगमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए अलग कैथोड की ज़रूरत होती है, और एनोड इसमें कॉमन रखते हैं। तो यहाँ पर सारे हम लोग लगभग डिस्प्ले समझ लिए हैं। तो ये जो डिस्प्ले हैं हमारे सिलेबस में बहुत सारे 5th यूनिट में उसको हमने डिस्कस कर लिया, और भी कुछ डिस्प्ले हैं तो हम लोग उससे भी डिस्कस करेंगे, या फिर आप उससे बुक्स में भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इनके डिटेल के बारे में। तो एक बेसिक आइडिया हमको लग गया कि हम डिस्प्ले डिवाइसेस होते क्या हैं और उन्हें हम कैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।